हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी का एक न्यू टॉपिक, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन से कि व्हाट आर एसिड्स, राइट। एसिड की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो एसिड क्या है? दैट आर दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जो कि क्या होते हैं, दैट आर सॉर इन टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट में थोड़े खट्टे होते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देंगे, रेड में। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। देन उसके बाद ये एसिड क्या होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू डिसॉल्व सब्सटेंसेस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये उन सब्सटेंसेस को खुद में डिसॉल्व कर लेते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, राइट, दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब एक और केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़े कि ये एसिड्स होते क्या है, एसिड्स वो होते हैं जो कि दे डोनेट एच पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस। तो मतलब जब भी किसी चीज के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद लाइक एसिड, रिएक्ट विद अ मेटल, तो अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, बिकॉज ये एच पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं। तो इस वजह से इन सब्सटेंसेस को हम एसिड कहते हैं। इनके बेस्ड क्या थ्योरीज है, इनकी और कौन सी डेफिनेशंस है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट, वो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सेकेंड हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बेसिस का, राइट। अब बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, वो टेस्ट में बिटर होते हैं। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। फिर जो होते हैं, अगर हम एसिड्स के लिए देखें तो पीएच की वैल्यू एसिड में लेस देन 7 होती है, 7 से कम, 7 पे न्यूट्रल एक सब्सटेंस होता है। अब बेसिस में पीएच की वैल्यू मोर देन 7 होती है। ओके, अब ये जो है हमारे पास बेसिस, इनका एक और काम है, दे न्यूट्रलाइज दी एसिड्स। मतलब अगर एसिड और बेस को मिक्स कर देंगे, राइट, अगर हम एसिड के साथ बेस डाल दें तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेंगे दैट विल बी अ सॉल्ट प्लस वाटर। और अगर सॉल्ट और वाटर बन जाए तो ये दोनों न्यूट्रल है, तो इस वजह से ये क्या रिएक्शन कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो बेसिस की प्रॉपर्टी ये होती है और एसिड जो है हमारे इन प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया है व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। अब हम इनकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस जो है हमारे पास, उनके बिहाफ पे कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरीज दी, राइट। अब नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस ने क्या बोला था कि व्हाट आर एसिड, एसिड जो होंगे दे आर दो सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन वाटर। अगर हम एक्वस मीडियम में इस सब्सटेंस को डालें तो ये क्या देंगे, टू गिव हाइड्रोजन आयंस। तो ये एच पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, दैट आर कॉल्ड एसिड्स। जैसे हम एग्जांपल ले लें, अगर HCl है तो ये वाटर में डालने पर क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, एसिड। लाइक नाइट्रिक एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन देगा। फिर हमारे पास एसिटिक एसिड है, अब ये भी क्या देगा, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एसिड। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी के भी आप पे अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे, ये तो हमारे पास एक तरह के एसिड हो गए जो एक ही हाइड्रोजन की बेस करें, तो इनको हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड्स। तो कुछ एसिड्स हमारे पास होते हैं जो कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स, राइट। इसका एक एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये वाटर में जाके पहले सल्फर हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन दे सकते हैं, वाटर में जाके पहले ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन देगा, फिर हाइड्रोजन सल्फेट आयन भी डिसोसिएट होगा इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन।
राइट। तो ये दोनों जो आयन्स हैं ये कंबाइन करेंगे अगर इन रिएक्शंस को, तो H2SO4 कैन गिव राइज टू टू हाइड्रोजन आयन्स प्लस सल्फेट आयन, राइट। तो इससे हमें चला कि ये वन से ज्यादा जो है हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है, तो दीज आर कॉल्ड एज पॉलीप्रोटिक एसिड। इसका और एग्जाम्पल H3PO4, ठीक है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड क्या कहते हैं, 3H+ आयन डोनेट कर सकते हैं, तो इस वजह से इनको कहते हैं हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम पढ़ेंगे अबाउट दी बेसिस। अब आरहेनियस ने बेसिस के बारे में क्या कहा, आरहेनियस सेड दैट बेसिस आर द सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्सिल आयंस। कौन से आयंस? हाइड्रोक्सिल OH- आयंस। तो बेसिस के बारे में आरहेनियस ने ये कहा। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल होता है NaOH, ठीक है, ये अगर वाटर में डाले, ठीक है, तो क्या गिव राइज करेगा? सोडियम आयंस और OH- आयंस। अब इसी के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या करता है, वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयंस दे देता है। तो ये जो भी हमारे पास होते हैं एसिड्स, वो हमारे पास H+ आयन देते हैं, और जैसे देखो यहाँ पर, और बेस जो है वो हमारे पास OH- आयन देते हैं, लाइक NaOH, ठीक है। अब ये हमारा आरहेनियस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आरहेनियस के कॉन्सेप्ट से एक हमारे पास एक और प्रॉपर्टी डेराइव होती है एसिड्स की, ठीक है, दैट इज अबाउट दी स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। तो वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। सो वॉट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वॉट आर वीक एसिड्स, राइट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है, जो कि हमारे पास कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब वाटर में कंप्लीटली जो आयोनाइज हो जाते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे कि हम देखते हैं जैसे HCl है, HNO3 है, ठीक है, अगर इनको वाटर में डालो तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद वीक एसिड्स कौन से होंगे फिर, ठीक है, व्हाट आर वीक एसिड्स? तो वीक एसिड्स वो होते हैं दैट आर पार्शियली डिसोसिएटेड, सो दे आर वीकली आयोनाइज्ड इन वाटर, तो वो वीक एसिड्स हो गए, ठीक है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड है, H+ और CN- देता था, बट ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है। सिमिलर वे से एसिटिक एसिड, ये भी जो है कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, सम अमाउंट ऑफ H+ गेट्स कन्वर्टेड बैक टू एसिटिक एसिड, तो ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चलते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे जो है कि हमारे ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और वीक एसिड्स है, राइट। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट दी लिमिटेशंस ऑफ आरहेनियस कॉन्सेप्ट। आरहेनियस की लिमिटेशन क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आरहेनियस कॉन्सेप्ट? पहली बात तो आरहेनियस सेड कि ये एसिड वो होते हैं जो कि H+ आयन गिव करें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आरहेनियस एन एसिड मस्ट हैव हाइड्रोजन इन इट, बट लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, ठीक है, तो ये हमारे पास एसिडिक गैसेस हैं, पर लेकिन इनके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ हमारा आरहेनियस कॉन्सेप्ट। सेकेंड जो है, आरहेनियस ने सिर्फ ओनली एप्लीकेबल टू एक्वस सॉल्यूशंस बात की है, ठीक है, सिर्फ वाटर में जो डिसॉल्व करने की बात की है, पर बाकी सॉल्यूशंस तो डिसॉल्व करने की बात नहीं की। अब नॉन एक्वस मीडियम जैसे लिक्विड अमोनिया, इसके अंदर तो डिसोसिएशन की बात ही नहीं करी, तो ये जो है हमारे पास इसने एक्सप्लेन नहीं किया आरहेनियस ने। फिर आरहेनियस ने यह एक्सप्लेन नहीं किया कि बेस जो है, आरहेनियस ने कहा अ बेस शुड हैव OH- आयंस, बट लेकिन जैसे अमोनिया है दैट इज अ बेस बट इट डज नॉट हैव OH-, तो दैट इज एन एक्सेप्शन टू द बेस। फोर्थ एक्सेप्शन जो है हमारे पास
अरहीनियस ने एसिड प्लस बेस की न्यूट्रलाइजेशन की कोई बात नहीं की कि अगर हमारे पास ऐसे अमोनिया है वो HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, पर यहाँ पर वाटर तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, तो ये तो दोनों ही गैसेस हैं। तो व्हेन बोथ ही गैसेस नॉन एक्वस मीडियम की इसने बात नहीं की, एब्सेंस ऑफ वाटर में इन द गैसेस गैसियस मीडियम इसने बात नहीं की। सो दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ अरहीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमने जो है फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की हमने डिस्कस किया है कि अरहीनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, आई विल अगेन जस्ट गिव यू अ शॉर्ट समरी। राइट, तो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारे पास ब्लू लिटमस को रेड कर दे, बेस वो होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे। एसिड्स की पीएच लेस देन 7 है, बेसिस की पीएच मोर देन 7 है। अब अरहीनियस कॉन्सेप्ट कहता है एसिड जो है दे गिव राइज टू फॉर्म एच पॉजिटिव आयंस, और बेस जो है दे गिव राइज टू फॉर्म ओ एच नेगेटिव आयंस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे और वीक एसिड्स वीकली आयनाइज हो जाएंगे। तो इन बातों का जो है डिस्कशन की थी अरहीनियस ने। ठीक है, और इसकी कुछ लिमिटेशंस की वजह से ये कॉन्सेप्ट ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज अबाउट दी दी ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। ठीक है, सो टू वॉच दैट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल पोस्ट टुमारो, सो यू विल गेट द वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज, एंड होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।